भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाकर अंत में परम तत्व की प्राप्ति कराए उसे ही भागवत कहते हैं। भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ कहा गया है, इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए इसे हर किसी को आयोजित करना चाहिए। ब्रह्मा ऋषि संत ज्ञानेन्द्र जी ने बताया कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते रहें। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। संत कॉलोनी में आयोजित सप्तदिवसीय भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कथा के श्रवण से ही जन्म जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। ज्ञानेन्द्र जी ने बताया कि कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है जिसे सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना वह इस संसार में आकर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए मनुष्य को समय निकाल कर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। आशुतोष सर, हमारे द्वारा एक संकल्प है, गणेश जी के 12 नाम है, सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकणिकः लंबोदर जविकटो धूमकेतु गणादेच्छो भालचंद्रो गजायना द्वादश सहितान्नामानि या प्रतिस्थापि। वैसे तो ये जो 12 नाम है गणेश जी के, इनके नाम से एक एक मुझे यज्ञ करना है, उसमें ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ। तो जो जप यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें भागवत श्रीमद् इसमें जप यज्ञ भी हो रहा है गणेश जी के, लक्ष्मी और गणेश दोनों के यज्ञ जप किए जा रहे हैं। और जब ये 12वां यज्ञ होगा, अभी हमारा चतुर्थ यज्ञ है भैया, चौथा यज्ञ चल रहा है ये जप यज्ञ। और जब 11वां हो जाएगा, इसके बाद जो 12वां होगा उसमें 16 करोड़ जो शेष रह जाएंगे उसमें 16 करोड़ जप यज्ञ होंगे, उसमें 108 कुंडी जप कुंड होंगे और बहुत बड़े विस्तृत जो कि हुआ उसका विशेष रूप से वो कार्य होगा। गणेश और लक्ष्मी का जप यज्ञ के निमित्त ये वृंदावन की पवित्र भूमि में राधा पार्क में ये श्रीमद् भागवत कथा ये सन्यासी मठ में की जा रही है, यही मुख्य इसका उद्देश्य है। और गोवंश की रक्षा हो, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, संत ब्राह्मणों और मानव जीवन की रक्षा हो और मानवता हम सब में प्राप्त हो, ऐसा हमारा सबका संकल्प है। चरित्र हुआ प्रहलाद चरित्र और भगवान कृष्ण का जन्म तक आज कथा चलेगी, कृष्ण का जन्म तक होगा। आज चतुर्दिवस की कथा है और चतुर्दिवस में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हरि के नाम जपने से बहुत से पार हो जाता है, जीव उद्धार हो जाता है। जीवों का उद्धार तो होता ही है कि मानव मात्र जो भी भगवान का नाम लेता है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम लेत मंगल दस दिसहु, चारों तरफ कल्याण होता है। भाव से ले या कुभाव से ले, कैसे भी भगवान का नाम आप लेंगे वो कल्याण ही करता है। हमारे सनातन धर्म में भगवान का नाम बहुत महत्व रखता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई सुजन विचार करो मनमाई, नाम लेते ही कल्याण। राम से बड़ा नाम भगवान का है, नाम से भगवान बड़ा राम का नाम। भगवान नाम भी अपने नाम के लिए जो पत्थर रखे, राम के नाम से जो पत्थर रखे गए वो तैर गए और राम जी ने स्वयं एक पत्थर रखा तो डूब गया। हनुमान जी ने कहा महाराज, बोले कि आप देख लियो, राम जी ने कहा बोले मैं देख लिया, बोले अगर देख लिया है महाराज तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप जिसको छोड़ देते हैं वो तो डूब ही जाएगा, आपका नाम ही इतनी महिमा रखता है कि आपके नाम से ही पत्थर तैर गए हैं और एक सुंदर समुद्र पे पुल बन गया है महाराज।